हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेया निवीस के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग टाइप के जो बैटरी कैपेसिटी मीटर होते हैं या जिनको बैटरी लेवल इंडिकेटर बोलते हैं या कई बार SOC यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर भी कहा जाता है, उनके बारे में। अलग अलग रेट के हैं, कुछ 800 के हैं, कुछ 500 के हैं, कुछ 1000 के हैं, कुछ 1200 के हैं। अभी आपको ये श्रेयान ईवीज की जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से भी ये सारे जो बैटरी लेवल इंडिकेटर हैं ये मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है, आप अपने किसी लोकल मार्केट से लेते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कितने वोल्ट का है और कितने वोल्ट तक इसकी सेफ लिमिट है? या फिर अगर आपको इस तरीके का एडजस्टेबल या सेट करने वाले अगर मीटर मिल जाते हैं, तो आप उनको किस तरीके से सेट करेंगे? आप देख सकते हैं हमारे पास में बहुत सारे मीटर हैं। मैं आपको एक मिनट खोल के दिखाता हूँ सभी को। तो अभी गाइस, जैसे सबसे पहले मैं इस वाले जो SOC है उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें वोल्टेज भी शो होता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो चार्ज का जो बार हैं वो भी शो होते हैं। जैसे ये बेसिकली 12 वोल्ट का ही है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी मैक्सिमम 15 वोल्ट तक जाती है और 15 वोल्ट से ऊपर जाने पर भी इसके जो बार हैं वो रीसेट नहीं हो रहे हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल टाइप का SOC है। और आप इसको 24 कितने भी फिर वोल्ट ऊपर लेके जाएंगे, इसका बार जो है वो नीचे ही रहेंगे। इसके अगर पीछे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ इसमें बस IC सेक्शन है, जहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट के नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ कहीं भी इसकी वोल्टेज की रेंज वगैरह नहीं दी हुई है, केवल 2 वायर निकले हुए हैं। तो ये जो इस टाइप के जो SOC होते हैं ये केवल 12 वोल्ट के होते हैं। आप इस टाइप के जो वोल्ट मीटर हैं उनको आप अपनी कार में या जो DC to DC कन्वर्टर होते हैं उनके आउटपुट को मेजर करने के लिए इस टाइप के SOC का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने इन्वर्टर या UPS में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। और इस दूसरे नंबर पे हमारे पास में जो है वो ये है, कुछ इस टाइप के वोल्ट प्लस एम्पियर मीटर, जिसमें आप एक सिलेक्टेड रेंज तक वोल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे इसमें। और उसके साथ ये जो हैं इसमें 10 एम्पियर तक की मेजरमेंट कैपेसिटी होती है कि ये आपका जो कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है, उसमें 10 एम्पियर तक ये आपको बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको रेंज चाहिए तो 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर तक के इसमें जो शंट है वो अलग से मिलते हैं। और इस टाइप के जो वोल्ट और एम्पियर मीटर है, आप अपना 48 वोल्ट या 60 वोल्ट की गाड़ी में अगर आपको पावर कंजम्पशन देखना है तो इस टाइप के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर है ये बेसिकली 10 एम्पियर तक के लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा शंट इसमें दिया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर साथ ही साथ जो वोल्ट और एम्पियर को कैलिब्रेट करने के लिए 2 एडजस्टेबल जो RH है या फिर रियोस्टेट हैं वो भी दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली आपको पावर कंजम्पशन और वोल्टेज दोनों को मॉनिटर करने में मददगार होते हैं। तो इसका यूज़ आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में कर तो सकते हैं, पर केवल वोल्टेज और कंजम्पशन मॉनिटर करने के लिए। स्टेट ऑफ चार्ज मॉनिटर करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक बार मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है और आपको नहीं पता है कि किसी भी बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज कितना होता है और डाउन वोल्टेज कितना होता है, तो इस टाइप का जो वोल्ट मीटर है शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। अब मैं अगले वोल्ट मीटर की तरफ जाता हूँ, जो कि और ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही बेसिक टाइप का है वो। और वो है ये हमारे पास में सिंपल 3 डिजिट वाला वोल्ट मीटर। पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट वोल्ट मीटर है। शायद सबसे पहले मुझे इसी को दिखाना चाहिए था, बट मेरे हाथ में रेंडमली ये आ गया था। तो इस टाइप के जो वोल्ट मीटर होते हैं ये लगभग 30 से 35 वोल्ट तक का जो करंट है वो शो करते हैं। कई बार 90 वोल्ट तक के भी आते हैं, पर ये जो मेरे पास में 36 वोल्ट का है। और आप ध्यान रखें कि अगर इसमें इस टाइप के वायर वगैरह होते हैं, ब्लैक, रेड और वाइट, तो ये 36 वोल्ट के होते हैं। अभी इससे ऊपर की कैपेसिटी है उसमें वायर का कलर चेंज होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस टाइप के जो वोल्ट मीटर हैं ये आप अपने UPS में, इन्वर्टर में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये केवल आपको स्टेट ऑफ चार्ज यानी कि वोल्टेज दिखाएगा, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर बार के थ्रू जो कैपेसिटी है वो भी शो हो रही थी,
लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया उसमें वोल्ट के साथ ही साथ एम्पियर भी शो हो रहा था। ये बिल्कुल बेसिक टाइप का है, बस पॉइंट में सिंगल डेसिमल तक ही आपको जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू आपको बता देगा। अब इसके बाद में जो जितने भी हमारे पास में बचे हुए हैं, एक और बचा हुआ मेरे पास में सिंपल वाला, इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन में हमें कौन कौन से मार्केट में वोल्ट मीटर अवेलेबल है। उसके बाद में ये है मेरे पास में टच स्क्रीन वाला एक SOC यानी कि वोल्ट वोल्टेज या वोल्ट मीटर। अब जैसे ये जो SOC या वोल्ट मीटर है, इसके तो खैर पैकेज पे भी लिखा हुआ था कि ये 5 वोल्ट से 48 वोल्ट तक ऑपरेट होगा, मतलब कुल मिला के आप इसको 36 वोल्ट की बैटरी तक ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 36 वोल्ट की बैटरी जो है लगभग 46 वोल्ट तक फुल चार्ज होती है, और उसके बाद जो है 46 वोल्ट तक होती है, और उसके बाद अगर इसको 48 से जोड़ेंगे तो 48 वोल्ट की बैटरी लगभग 56-57 वोल्ट तक स्टेट ऑफ चार्ज दिखाती है। तो उस केस में ये एरर दिखाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको 48 वोल्ट से ऊपर लेके जाता हूँ तो इसमें एरर आने लगता है। ये देखिए ये एरर आ गया इसमें। तो यहाँ पर हमें इसको 48 वोल्ट तक ही रखना होता है, लेकिन ये 36 वोल्ट तक के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, एक रेगुलर शेप है इसमें गोल, और अच्छी बात यह है कि आप इसको यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे जब हम इसके पावर के बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर ये परसेंटेज और वोल्टेज दोनों आता है, ये भी। जैसे परसेंटेज का एरर दिखा रहा है, ये 57-58% हो गया है। अगर हम इसको इधर स्वैप करते हैं तो ये वोल्ट दिखाता है और ये यहाँ परसेंट दिखाता है, यहाँ दबाएंगे तो ये बंद भी हो जाता है। ये देखिए थोड़ा देर तक पुश करके रखेंगे तो बंद हो जाएगा। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है, पर ये अब आपके पास में अगर क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में प्रायः 48 वोल्ट मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 72 वोल्ट तक रहता है, तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। तो ये हमारा सबसे लास्ट जो वोल्ट मीटर था वो। अब उसके बाद में हम कुछ जो बैटरी एक्चुअल में बैटरी कैपेसिटी मीटर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो आप अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। गाड़ियों के कन्वर्जन में जो सबसे पहला जो मीटर मुझे पसंद आया था वो ये था। आप देख सकते हैं बेसिकली ये भी 12 वोल्ट का ही है, लेकिन ये 12 वोल्ट का जो मीटर है इसमें यहाँ पर आप एक 39 वोल्ट यानी कि 39 वोल्ट का जो जेनर डायोड है उसको लगाकर इसको ऑपरेशनेबल बना सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ बिना जेनर डायोड के, तो यहाँ पर ये जो स्टेट ऑफ चार्ज है इसका वो फुल रहेगा, ये आप देख सकते हैं 12.7 में। जो सबसे लास्ट वाली ब्लू बत्ती है वो भी लगभग 13.6 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाती है, और जैसे जैसे हम इसमें वोल्टेज कम करते हैं वैसे वैसे डाउन होती है, 9-10 वोल्ट पे आके ये 0% पे ब्लिंक करने लगती है। लेकिन अगर इसी में हम ये 39 वोल्ट का अगर एक जेनर डायोड लगा दें और फिर इसको ऑपरेट करें, तो 39 वोल्ट का जो जेनर डायोड है वो 48 वोल्ट की बैटरी के लिए सूटेबल होता है, और इसी रेंज में अगर आप 39 के बाद में 58 वोल्ट का 57 वोल्ट का अगर जेनर डायोड लगाते हैं तो 60 वोल्ट की बैटरी को बैटरी का इंडिकेशन दे सकता है। अब यहाँ पर आप देखें कि लगभग 40 वोल्ट तक ये कुछ भी शो नहीं करेगा, और जैसे ही 38 वोल्ट होगा यहाँ पर ये 47 वोल्ट पे इंडिकेट करने लगता है, और फिर ये 55 वोल्ट पे जाके ये पूरी जो लाइट है वो जलने लगती है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा बैटरी कैपेसिटी मीटर या SOC है। इसी टाइप के जो बैटरी कैपेसिटी मीटर हैं वो आपको जो ऑटो रिक्शा जो हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आइए देखते हैं एक दूसरा। गाइस इस वाले जो LED इंडिकेटर SOC के बाद में जो अब ये जो बैटरी कैपेसिटी मीटर मेरे हाथ में है, ये सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा यूज़ किया जाने वाला बैटरी कैपेसिटी मीटर है।
क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। याद हो सकता है हमारी किसी वीडियो में आपने ये पहले ही देखा हो। यहाँ पर देखिए एक जम्पर लगा हुआ है, अगर आप इसको शोल्डर से शॉर्ट कर देंगे तो अभी फ़िलहाल ये ऑन है, मतलब शॉर्ट किया हुआ है, तो 24-48-72 वोल्ट का SOC है। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये 12-36-60 का हो जाएगा। अभी आप देखें यहाँ पर ये बार अभी क्योंकि ये ऑन है ना, तो ये 24-48-72 ऑटोमेटिकली बताएगा। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो बार है वो भी चेंज होता जाएगा। 24 वोल्ट के लिए जो डाउन वोल्टेज होता है वो लगभग जो डाउन वोल्टेज होता है वो लगभग 20 के आसपास होता है। तो आप देखेंगे कि 20 वोल्ट के आसपास ये इसमें पहला बार आ जाएगा। जी देखिए 20 पे नहीं आया, 21 पे आया था, 21-22 पे आ गया था। और 24 वोल्ट के हिसाब से लगभग 32 वोल्ट पे फुल होना चाहिए। 24 के हिसाब से हाँ, जो फुल चार्ज होता है वो लगभग 30 वोल्ट के आसपास फुल चार्ज किया जाता है। और जैसे हम चार्जर को हटाते हैं तो लगभग 26-27 वोल्ट के आसपास बैटरी सेटल हो जाती है। अब जैसे 24 के बाद में 48 में 40 वोल्ट पे पहला बार आना चाहिए, 40-41 42 पे आना चाहिए, 43 पे आया, 44 पे आ गया, ओके। इसी तरीके से 60 वोल्ट देखिए, 61 वोल्ट क्योंकि अभी ये हमारा जो चार्जर है, ये जो पावर सप्लाई है वो 60 वोल्ट से ऊपर नहीं जाती, इसलिए 61 वोल्ट पे जीरो बता रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला SOC है जो कि हम रिकमेंड भी करते हैं, और आपको ये श्रेयान ईवीज़ की ऑनलाइन साइट पे भी मिल जाएगा। इसका जो रेट है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है क्योंकि ये प्योरली इम्पोर्टेड आइटम है, और इसके जो रेट हैं वो क्योंकि स्टेबल नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें जो शुरुआत हुई थी वो 600 कुछ रुपए से हुई थी और अभी ये लगभग 900 रुपए के आसपास मिलता है। और इससे पहले भी जितने भी आपने वोल्ट या एम्पियर मीटर या SOC देखे उन सब के रेट भी आपको उसी के टाइम पे आपको ऊपर जो स्क्रीन है उस पर दिख रहे होंगे। और इनमें से कोई भी अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उनके रेट दिए हुए हैं, मॉडल नंबर दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और हमारे पास में है जिसमें कि, और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, जैसे इसमें हमें जंपर को अलग करना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है, मतलब शॉर्ट करना पड़ता है और ओपन करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और ज़्यादा एडवांस है, 12 वोल्ट से लेके तो 60-72 वोल्ट तक की सप्लाई को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बार भी दिया हुआ है। अब आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये जो मेरे पास में अभी ये जो SOC या जो बैटरी कैपेसिटी मीटर आप देख रहे हैं, ये अभी काफ़ी एडवांस में कहूँगा, काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि ऑल इन वन है। पीछे का अगर आप इसमें पोर्शन देखें तो यहाँ पर आपको वोल्टेज कैलिब्रेट करने के लिए एक RH या फिर रियोस्टेट भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ एक स्विच भी दिया हुआ है जिसको आप सिलेक्टर भी कह सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसकी ये खूबी देखिए कि ये 6 वोल्ट की बैटरी से लेके तो 84 वोल्ट तक की बैटरी को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अभी चूंकि हमारे पास में तो केवल 60 वोल्ट तक की है, इसलिए हम 60 वोल्ट तक चेक कर पाएंगे। अभी आप देखिए जैसे 5 वोल्ट है, जो 6 वोल्ट की बैटरी होती है वो 6.57 वोल्ट के आसपास फुल चार्ज होती है। अब देखिए 6.7 पे ये फुल चार्ज दिखा रहा है। अब जैसे ही 12 वोल्ट पहुँचेंगे तो 8 वोल्ट के बाद में ये 12 वोल्ट की बैटरी को डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, और ये लगभग 14 वोल्ट तक फुल चार्ज दिखाने लगेगा इसको, ये देखिए। फिर उसके बाद में 12 के बाद में 24 वोल्ट, 18 वोल्ट से 24 वोल्ट की रेंज शुरू हो जाती है। तो ये 24 वोल्ट की रेंज आती है लगभग 26 वोल्ट तक, और उसके बाद 30 वोल्ट से 36 वोल्ट की रेंज शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका ये जो कैलिब्रेशन है ये भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, और अगर ना भी हो तो पीछे इसमें सेट करने के लिए एडजस्टर दिया हुआ है। ये 36 वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट की बैटरी 42 वोल्ट पे 56 वोल्ट तक इसको फुल चार्ज होना चाहिए। तो 56 पे ये 53 पे ये फुल चार्ज दिखाने लगी है, ठीक है। 59 वोल्ट के बाद में 60 वोल्ट, जो 61 वोल्ट पे 60 वोल्ट की बैटरी भी
थोड़ा चार्ज दिखाती है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है। इसके बाद 72 वोल्ट 84 वोल्ट तक भी इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको अगर सारे मोड सेलेक्ट नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पीछे जो ये जो स्विच मैंने आपको बताया था, ये स्विच है, इस स्विच को आप पुश करके रखें थोड़ा देर, तो ये ऑल का बटन आए। ऑल मतलब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा। अगर आप चाहें तो 12 वोल्ट को सेट कर लें, 24 को कर लें, 36 को, 48 को, 60 वोल्ट को, 72 वोल्ट को, 84 वोल्ट को और ऑल। ऑल का मतलब ये है कि मतलब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप जैसे 12 वोल्ट करते हैं तो 12 वोल्ट ही दिखाएगा, पर उससे ऊपर ये वाला बार काम नहीं करेगा, वो हमेशा फुल मोड में आ जाएगा और फिर ये वोल्टेज आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे भी 24 वोल्ट, हम 24 वोल्ट को डिटेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करी तो आपको एक बार इसको डिसकनेक्ट करना होगा और फिर से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 24 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 24 वोल्ट, जैसे हमने इसको डाउन किया तो 24 वोल्ट की बैटरी लगभग 27 वोल्ट पे फुल हो जाती है। ये देखिए 26.3 पे फुल हो गई है और 20 वोल्ट पे फुल डाउन हो जाती है, 21 वोल्ट पे पूरा डाउन दिखा रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बैटरी कैपेसिटी मीटर है और इसकी अभी फ़िलहाल जो प्राइस चल रही है वो लगभग 900 रुपये के आसपास चल रही है। बाकी अपडेटेड प्राइस आप श्रेयान ईवीज़ के ऑनलाइन स्टोर पे चेक कर सकते हैं। इसकी वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्रोग्रामेबल जो SOC है उसको एक्सप्लेन करना कि अगर ये आप धोखे से ख़रीद लें, क्योंकि अगर आपने इसको ख़रीद लिया तो इसको सेट करना काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है कभी कभी, और शुरुआत में मुझे भी काफ़ी डिटेल रिसर्च करनी पड़ी थी इसको समझने के लिए। अब आइए इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज कैसे सेट होते हैं, इसमें कौन सा SOC कैसे सेट किया जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड बैटरी कैपेसिटी या बैटरी वोल्टेज मीटर है वो है ये मेरे हाथ में। बेसिकली इसमें तो वैसे बहुत सारे फंक्शन उसमें होते हैं, पर आपके लिए जो ध्यान में रखने वाला फंक्शन है वो है इसका F फैक्टर। यहाँ पर F का मतलब है कि कितने सेल की सीरीज़ की कैपेसिटी आप चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर F का मतलब है 3.2 इंटू, ये देखिए ये मैंने इसका फॉर्मूला बनाया है, F इजिकल टू 3.2 वोल्ट इंटू 1। अगर आप करेंगे तो एक सेल का दिखाएगा, दो करेंगे तो तीन का दिखा, दो करेंगे तो दो सेल का दिखाएगा, मतलब कि 6.4 वोल्ट दिखाएगा। इसी तरीके से 3.2 वोल्ट के मल्टीपल में चलता है। अभी जैसे मैंने इसको 16 पे सेट कर रखा है तो 3.2 है उसको अगर 16 पे करते हैं तो जो फुल चार्ज वोल्टेज होगा वो 54.2 के आसपास रहेगा। तो इसी कारण से हमने इसको 48 वोल्ट पे भी सेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 43, 44, 45, ऐसे 48 पे जैसे हम इसको अलाइन करते हैं, यहाँ पर इसकी फोकस की भी प्रॉब्लम रहेगी। ये देखिए अब ये बड़ी मुश्किल से फोकस हुआ है। तो जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अब ये 48 वोल्ट के बाद में इसमें जो बार हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। ये देखिए 49 पे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये बार बढ़ते जाएंगे और ये 54 पे आके पूरी तरीके से फुल 100% हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको वोल्टेज में ना देख के अगर परसेंट में देखनी है तो ये आप परसेंट निकाल सकते हैं इसका, एक बार दबाएंगे तो ये परसेंट में दिखाने लगता है। ये फोकस की प्रॉब्लम है, इसमें फोकस को मैंने लॉक किया है बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंट भी देख सकते हैं आप। और ये जो फंक्शन है इसको हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पीछे की तरफ एक स्विच है, ये जो इसका पोर्ट है जहाँ पे वायर लगे हुए होते हैं, वहाँ पर एक और स्विच है और एक स्विच यहाँ पर है। दोस्तों आपको करना क्या है, ये दोनों स्विच को एक साथ दबाना है। जब दोनों स्विच को एक साथ दबाएंगे 2 या 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे
तो यहाँ पर आप देखिए एफ फैक्टर आ जाता है। अब एफ फैक्टर सामने वाली बटन से कम होता है और पीछे वाली बटन से बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं अभी कम कर देता हूँ 16 के बाद में 15, 14 और जैसे मैंने 8 अगर मैं इसको कर देता हूँ तो ये फिर 24 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ये 8 हो गया और अब इसको कुछ देर छोड़ देते हैं हम। ये 5 से 6 बार ब्लिंक करेगा और ये सेट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ पर हम 36, पहले मैं इसका वोल्टेज सेट कर देता हूँ 46 वोल्ट अभी दिखा रहा है। अब इसको हम जैसे धीमे धीमे कम करेंगे, ये देखिए अब ये 24 वोल्ट की बैटरी बन गई। तो कुल मिला के इस वीडियो में हमने आपको जो अलग अलग टाइप के बैटरी कैपेसिटी मीटर है उनके बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनमें से कोई भी वोल्ट मीटर या बैटरी कैपेसिटी मीटर अगर आपको चाहिए हो तो आप श्रेया निवीस की वेबसाइट पर जाके या उनके ऑनलाइन स्टोर पर जाके परचेस कर सकते हैं और प्राइसिंग डिटेल भी आपको वहाँ पे सब मिल जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए श्रेया निवीस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।